नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। शहीद खुदीराम बोस के 113वें शहादत दिवस पर जेल प्रशासन द्वारा फांसी स्थल पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। जिले में पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कोरोना काल में राज्य में उद्योग धंधे तेजी से बढ़ रहे हैं। और अत्यधिक बारिश होने के कारण कांटी पीएचसी में 2 से 3 फीट पानी जमे रहने से प्रत्येक दिन बिना वैक्सीन लिए हुए सैकड़ों लोग लौट रहे हैं। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शहीद खुदीराम बोस के 113वें शहादत दिवस पर जेल प्रशासन द्वारा फांसी स्थल पर पुष्प अर्पित कर शहादत को याद किया। आज ही के दिन 11 अगस्त 1908 को शहीद खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। इस वक्त उसी परिसर में मौजूद हूँ जहाँ पे शहादत दिवस मनाया जाता है। हर साल आज ही के दिन सुबह 4 बजे शहादत दिवस मनाया। फांसी की सजा चढ़ने से पहले शहीद खुदीराम बोस ने कहावत कही थी, एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी हाँसी हाँसी परिवो फांसी देखा बिन जागोता बासी। मतलब जेल में शहादत दिवस मनाने से पहले यहाँ जेल सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाता है और ठीक इसके अंदर ही शहीद खुदीराम बोस की हर साल शहादत दिवस मनाई जाती है जिसमें जिला प्रशासन की कई अधिकारी शामिल होते हैं। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बुधवार की अहले सुबह देश की आज़ादी के लिए पहला बम धमाका करने वाले अमर शहीद खुदीराम बोस का 113वां शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में उनके सेल और फांसी स्थल पर फूलमाला अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया गया, जबकि जेल को कृत्रिम लाइट व फूलों से सजाया गया था। वहीं जेल पार्क फांसी स्थल व खुदीराम बोस सेल को भी सजाया गया था। इस दौरान जेल अधीक्षक राजीव कुमार सिंह ने सुबह करीब 3 बजे फांसी स्थल पर अन्य जगहों पर माल्यार्पण किया। 2 वर्षों से कोरोना के कारण जो जिला प्रशासन के अधिकारी वो तो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जेल सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा ही इस शहादत दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मैं अपने सहयोगी ऋषिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले में पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कोरोना काल में सबसे अधिक राज्य में उद्योग धंधे का विकास हुआ है। बुधवार को जिले में पहुंचे उद्योग मंत्री सह भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बिहार में कोरोना संक्रमण काल में किसी अन्य राज्य के मुकाबले सबसे अधिक उद्योग धंधे की स्थापना हो रही है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में जल जमाव सहित अन्य जो भी परेशानियाँ हैं उसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। साथ ही साथ कहा कि वीआईपी या जदयू के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से भाजपा को कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटों को जीतकर एक बार फिर से सरकार भाजपा ही बनाएगी। आखिरी बरसात है जिसमें पानी, अगली बरसात में पानी को तरस जाएगा बेला, कहीं पर जल जमाव नहीं दिखेगा। अब अभी अभी आप हमें कह रहे थे कि अभी जल जमाव तो बहुत जगह है, लेकिन हमने प्लान कर लिया। पिछली बार बासी खबरें मैं नहीं देता हूँ, ताज़ा देता हूँ, क्योंकि आपको भी वहाँ पूछा जाएगा क्या ताज़ा लाए। तो ये तो पहले मैं कह चुका हूँ कि करीब 80 करोड़ से ऊपर खर्च करेंगे। वहाँ 2 श्रमिकों की डूब के मौत हो गई है उन्हीं नालों में। कहाँ? बहुत दुख है। आपको तो मिला होगा जी, देवांशु किशोर जी ने बताया था, बहुत दुख है। हम लोग बेला के अंदर पानी न लगे इसकी व्यवस्था हमें करना ही पड़ेगा। तो सिस्टम के लिए क्या 80 करोड़ का क्या योजना है? क्या योजना बना रहे हैं, काफ़ी पैसे का है। शहीद खुदीराम बोस के 113वें शहादत दिवस पर विभिन्न सामाजिक संगठन के सदस्यों ने जिला भूमि स्थल पर पुष्प अर्पित कर शहादत को याद किया।
शहीद खुदीराम बोस के 113वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार को चंदवाड़ा सोटा गोदाम चौक स्थित शहीद खुदीराम बोस की चिताभूमि पर शहीद खुदीराम बोस चिताभूमि बचाओ अभियान समिति के सदस्यों के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर समिति के संयोजक शशि रंजन उर्फ पिंकू शुक्ला ने कहा कि शहीद खुदीराम बोस जैसे महान क्रांतिकारी का कर्मभूमि हमारा शहर रहा है, जो कि हमारे शहर के लिए गर्व की बात है। लेकिन अफसोस की बात भी है कि इनका चिताभूमि अतिक्रमण और अपेक्षा का शिकार है। समिति की तरफ से हम लोग सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके चिताभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर सौंदर्यीकरण कराया जाए। शहीद खुदीराम बोस के पुण्यतिथि पर हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित किया है। वहीं समिति के सह संयोजक साकेत सिंह ने कहा कि शहीद खुदीराम बोस का बलिदान प्रत्येक देशवासियों को देशभक्ति की भावना प्रदान करता है। हम सभी को इनसे प्रेरणा लेकर इनके आचरण को अपनाना चाहिए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज का दिन मुजफ्फरपुर की धरती पर बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। ये तारीख भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इसी दिन सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। और मुजफ्फरपुर के शहर के लिए पल गौरव का इसलिए है कि यही वो स्थान है जहां पर शहीद को समाधि को का अंतिम संस्कार हुआ था, और उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहां पर आज शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मीनापुर थाना के पानापुर ओपी क्षेत्र में बीते दिनों युवक के पीट पीट कर हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भीम आर्मी के नेताओं ने परिजन से मुलाकात के बाद एसएसपी से मुलाकात की। जिले के मीनापुर प्रखंड के पानापुर में कुछ दिन पहले राजेश राम को पोल से बांधकर निर्मम हत्या कर दिया गया था। उस मामले में लिखित आवेदन पीड़ित परिवार ने पानापुर ओपी में दिया था, जिसके बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया, जिसके बाद आज राजेश के परिवार वालों से भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज राम और आजाद समाज पार्टी के दर्जनों भीम आर्मी के सदस्य ने पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिला। वहीं उनके परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम सभी आपके साथ हैं। वहीं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज राम ने एसएसपी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जल्द से जल्द पुलिस सभी आरोपी को गिरफ्तार करे, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लोग मुजफ्फरपुर में है और बड़ा ही दर्दनाक घटना हुआ, शर्मसार करने वाली घटना हुआ है। आज से 15-18 दिन पीछे पानापुर में एक राजेश राम का निर्मम हत्या कर दिया गया, और हत्या करने के बाद में वहाँ पर इनकी माँ हैं। और दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आज आज़ाद समाज पार्टी से भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता मेरे साथ में वहाँ पर हम लोग पहुँचे, और पहुँच करके मृतक के परिवार से हम लोगों ने मिला, और मृतक के परिवार से मिलने के बाद में इनकी दशा देख करके, पारिवारिक दशा देख करके बड़ा ही मीन्स दिल टूट गया। ये उनकी माँ हैं और इनकी दो बच्ची हैं, और इनका जो पति है वो पैरालाइज है, खाट पर पड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 7 लोग इन लोग अपराधियों का नाम दिए हैं, और आपको दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि 7 में 4 लोग को पकड़ा गया, और वीडियो जब आप देखिएगा 2 लोग को ही पकड़ा गया। और यदि आप देखिएगा वीडियो में जब देखिएगा कि उस भाई को लोग 7 बजे घर से बुला के पोल में बांध के लाठी से पीट करके और मार दिया गया, वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कौन कौन लोग मार रहा है। लेकिन मुख्य आरोपी जो ओम प्रकाश जी हैं, ओम प्रकाश है और कौन एक सतीश राय है, इसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, और अभी धमकी भी दे रहा है। और आज हम लोग पानापुर में गए थे, और पानापुर में जा करके हम लोगों ने पीड़ित परिवार से हमने मिला और मिल करके इनके दुख को जानना चाहा। उसी पीरियड में हमारी बात एसपी साहब से हुई, और एसपी साहब बोल रहे हैं कि आप लोग नेतागिरी करना छोड़िए, जो मुझे करना था मैंने कर लिया। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से और शासन से भी कि आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति लाठी डंडा से पोल में बांध करके मार के ख़त्म कर दिया राजेश राम को, उसको आप पकड़ने के एवज में आप हमें कह रहे हैं नेतागिरी छोड़ने के लिए। नेतागिरी छोड़ाना चाहते तो नीतीश जी का नेतागिरी छोड़वाइए, यदि आप नेतागिरी छोड़वाना चाहते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का छोड़वा दीजिए। तो आप शासन प्रशासन में बैठे हैं, और दुख के साथ मैं बताना चाहता हूँ ये 18 से 20 दिन तक घटना हो गया, और SC ST का ये मामला है, और ना अभी तक DSP साहब गए उस घटना स्थल तक, और ना SP साहब गए। ये दुख के साथ मैं बताना चाहता हूँ। अब जैसे कि इन्होंने बाई नाम मेरा लेकर के और ये इन्होंने टॉर्चर आज किया, और उन्होंने कहा कि आप नेतागिरी छोड़िए। अरे नेतागिरी क्यों हम छोड़ें, हम तो चाहते हैं कि ऐसे दलित परिवार को, ऐसे पीड़ित लोग को सुना जाए,
हमारी आवाज़ों को जब बंद कर दिया जाएगा और हमें कुचलने का प्रयास किया जाएगा तो हम तो बोलेंगे, जब हमारा भाई मरा है तो दर्द तो है, हम बोलेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार और आज़ाद समाज पार्टी से भीम आर्मी का यहां पर पहुंचा था एक बहुत बड़ा आशा लेकर के कि ये एसपी साहब हम लोग को न्याय देंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि एसपी साहब न्याय देंगे। ये एसपी साहब कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन मिल करके और उस घटना का अंजाम दिया है, और घटना का अंजाम ही नहीं दिया है, मुख्य जो आरोपी है और जो जिसने घटना को अंजाम दिया उसको छोड़ा जा रहा है। दरभंगा जाने के क्रम में भगवानपुर चौक पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सदस्यों ने मंत्री संतोष कुमार सुमन का भव्य स्वागत किया। बिहार सरकार के लघु सिंचाई व अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का दरभंगा जाने के क्रम में भगवानपुर चौक पर छात्र हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सैकड़ों छात्रों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। वहीं छात्र हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सह विश्वविद्यालय अध्यक्ष संकेत मिश्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों से संवाद कार्यक्रम विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजन किया जाएगा तथा उसमें मंत्री उपस्थित होंगे। वहीं विश्वविद्यालय में लापरवाह अधिकारियों की भी बात की जाएगी, वैसे लोग जो छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। स्थानीय आवाम मोर्चा के और बिहार सरकार के लघु सिंचाई व अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री हमारे बड़े भाई समान डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का आगमन हुआ था, जो कि दरभंगा दौरे पर अपने कार्यक्रम में जा रहे थे। तो छात्र हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की इकाई भगवानपुर गोलम्बर पर सैकड़ों छात्रों ने उनका फूलमाला से भव्य स्वागत किया, और मंत्री जी माननीय मंत्री जी ने स्वागत का अभिवादन करते हुए उन्होंने छात्रों से अपील की कि अपने अपने भविष्य के क्षेत्र में अपना अपना पढ़ाई लिखाई करें, और जल्द ही हम बिहार विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और छात्रों के बीच संवाद स्थापित करेंगे, छात्रों की जो समस्या है उसके लिए निदान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बैरिया स्थित महेश बनवारी लाल महाविद्यालय के जयंती सह नवनिर्मित भवन का उद्घाटन राम विचारी देवी के द्वारा किया गया। बैरिया स्थित महेश भगत बनवारी लाल इंटरमीडिएट महाविद्यालय के जयंती सह नवनिर्मित भवन का उद्घाटन बुधवार को प्रबंध समिति के अध्यक्ष राम विचारी देवी के द्वारा किया गया। इस दौरान संस्थापक सचिव कृष्ण मोहन प्रसाद, पूर्व मेयर सुरेश कुमार, संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर बनवारी प्रसाद शाह, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार, महाविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्थित रहे। पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि उनके दादा और परदादा के नाम पर यह कॉलेज है जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिदिन प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है। पूर्वजों द्वारा भूमि दान दी गई थी, शिक्षा के प्रति जो लगाव था हमारे पूर्वजों का, उसी के मद्देनज़र इन्होंने भूमि दान किया था, उसी में भवन निर्माण हुआ है जो और भी शिक्षा में बढ़ावा हो। हमारी माँ इस कॉलेज के अध्यक्ष है, पिताजी पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, सब लोग के उपस्थिति में आज हम लोगों ने इस भवन का उद्घाटन किया है और ये बढ़िया कार्यक्रम है। और मैं चाहूँगा शिक्षा के प्रति जो भी हम लोग जो भी जो करना होगा हम लोग करेंगे, शिक्षा के प्रति जो भी भरसक काम होगा हम लोग करेंगे। वहीं कॉलेज के प्रचार ने बताया कि समाज में फैले अशिक्षा को दूर करने के लिए महेश भगत बनवारी लाल इंटर महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह महाविद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करता है। नवनिर्मित भवन बन जाने से अब छात्र छात्राओं को जो दिक्कत हो रही थी वह दिक्कत भी अब दूर हो गई है। भगत बनवारी लाल महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय बनवारी लाल भगत की जयंती के अवसर पर यह है उनका जयंती समारोह आयोजित किया गया है। उनके संबंध में, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ मैं कहना चाहता हूँ कि बनवारी लाल भगत यद्यपि नेत्रहीन थे, नेत्रहीन होते हुए भी उनके मन में ऐसी जज्बा थी, उनको अंतर्दृष्टि ऐसा था कि शिक्षा के प्रति उनको बहुत श्रद्धा था, प्रेम था, और समाज में जो अशिक्षा व्याप्त है उस अशिक्षा को दूर करने के लिए इन्होंने अपने भूखंड का एक भाग दान करके और महाविद्यालय में शिक्षण कार्यों के लिए यह समाज को इन्होंने दान दिया। आज यह महाविद्यालय उत्तरोत्तर विकास कर रहा है और इसका जो परीक्षा फल है काफ़ी अच्छा होता है और उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। इनके पुण्य प्रताप से ही इनके परिजनों को भी काफ़ी लाभ मिल रहा है। आज के दिन में इनके ही परिवार से मेयर हुए हैं और मैं उनके प्रति आज इतने महान व्यक्तियों के
प्रति मैं आज सत नमन करता हूँ। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा दो पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज़ सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम पर देते रहते हैं अभी मोस्टली। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सज्जन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है, और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत को के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। सिटी न्यूज़ के साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। लगातार हो रही बारिश से कांटी पीएससी में भारी जलजमाव हो गया है, जिसके कारण प्रतिदिन सैकड़ों लोग बगैर वैक्सीन लिए हुए घर लौट रहे हैं। इस अस्पताल में वैसे तो कल भी पानी लगा हुआ था, पर आज पानी का जलस्तर अचानक काफी बढ़ जाने से स्थिति बद से बदतर हो गई है। ऐसे में कांटी क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा फिलहाल बंद होने के कगार पर है। यहाँ तक तैनात डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी ने बताया कि पानी के जलस्तर के काफ़ी बढ़ जाने के कारण फिलहाल अस्पताल में मरीजों को देखना काफ़ी कठिन होता जा रहा है। वहीं हम लोग बड़ी मुश्किल से अस्पताल में जा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चार दीवारी तो बना दिया गया, पर जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण यह हालात पैदा हुआ है। बताते चले कि इस अस्पताल में रोजाना 300 से 400 मरीज इलाज के लिए आते हैं, पर जल जमाव के कारण उनके लिए स्थिति अब विकट समस्या बन चुकी है। अस्पताल के गंभीर समस्या को देखते हुए स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से शीघ्र कार्रवाई कर इस समस्या से निपटने की मांग की है। सर जी देख रहे हैं जी, हमेशा देखते हैं हॉस्पिटल भर्ती रहता है, ऐसा कोई नहीं होता ना कोई अफसर कुछ नहीं सुन रहा है। सब दिन का सब दिन यहाँ देखते हैं हॉस्पिटल एकदम हमेशा भर ले रहता है। घंटा का पानी से आज लग गया, एक घंटा का पानी है, दो घंटा का पानी है, साला ये सब फट जाता है जमे सब। कितना दिक्कत हो रहा है जाने आने में, देखिए ना कैसे घंगरी उठाए हुए हैं घर से। दिक्कत काफ़ी होता है, बहुत दिक्कत हो रहा है कि कोई बनाने वाला नहीं, ना कोई सुनने वाला, ना कोई कहने वाला आ रहा है। समझ गए, हमेशा के लिए यही दशा में गाड़ी गिरता है। अच्छा, पेशेंट को परेशानी होता है आने जाने में। दिन भर में कितना बार आप लोग एम्बुलेंस लेकर जाते हो? 7-8 बजे निकलता है, घुसता है, दिक्कत काफ़ी होता है। पानी भरने पर गड्ढा में गड़ी गिरता है, पता नहीं चलता है गड्ढा कहाँ पर है। पूरा रिक्स ही काम रहता है आप लोग, कहाँ गड़ी पलटी खाएगा, कहाँ क्या हो कौन जानता है।
मतलब हर साल की यही स्थिति रहता है क्या? नहीं, इस साल ज़्यादा है। इस साल ज़्यादा हो गया मतलब काफ़ी लगातार हो रहा है ना, नाला पानी नहीं खींच पाता है। अच्छा, अब नाला पानी खींचेगा तभी ना कोई बात होगा। शहीद खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर AIDSO के सदस्यों ने जिला पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाल शहीद स्मारक पर पहुंच प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अमर शहीद खुदीराम बोस शहादत दिवस के अवसर पर गुरुवार को AIDSO के द्वारा मोतीझील स्थित कार्यालय से जुलूस निकालकर कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर शहादत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान AIDSO के सदस्यों ने अमर शहीद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। संगठन के जिला सचिव लाल बाबू राय ने बताया कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अमर शहीद खुदीराम बोस के बताए हुए मार्ग पर आज तक की कोई सरकार नहीं चली है और लगता है न चलने वाली है, जिसे लेकर शहादत दिवस पर AIDSO के सदस्यों ने शहीदों के बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया है। आजादी आंदोलन के गैर समझौतावादी धारा के महान नायक अमर शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस मना रहे हैं। इस युग के अन्यतम मार्क्सवादी चिंतनकार कंवर शिवदास घोष के हाथों से बनाई गई छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO और युवा संगठन ऑल इंडिया DYO के संयुक्त तत्वाधान में आज जिला कार्यालय मोतीझील से हम लोग जुलूस निकाल कर आए हैं और यहां पर शहादत दिवस मना रहे हैं। खुदीराम बोस का सपना था कि ऐसा समाज बने जहां एक भी व्यक्ति दवा के अभाव में नहीं मरे, एक भी व्यक्ति अनाज के अभाव में नहीं मरे, किसान अपनी फसलों के दाम के लिए आंदोलन ना करे, किसानों की आत्महत्या ना हो। ये तमाम जो देश में कुरीतियां हैं, महिला उत्पीड़न, रोजगार, ये तमाम सवालों को लेकर के संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी अंग्रेज चले गए, लेकिन आज देश में अपने ही लोगों द्वारा शासन किया जा रहा है, फिर भी ये समस्या मौजूद है। इसका मूल कारण है इस देश में जो व्यक्ति मुनाफे पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था है, इस पूंजीवादी व्यवस्था को बगैर ख़त्म किए इससे मुक्ति नहीं पाया जा सकता है। खुदीराम बोस का सपना था, वो आज तक अधूरा है। उस सपनों को पूरा करने की जिम्मेवारी आज हम नौजवानों के कंधे पर है। लेकिन आज नौजवानों के नीति नैतिकता और मानवीय मूल्यबोधों को गिराने के लिए अश्लील सिनेमा साहित्य और नंगे विज्ञापन और शराब को धड़ल्ले से परोसा जा रहा है, ताकि नौजवान खुदीराम बोस के आदर्श को और विचारधारा को नहीं समझ सके। लेकिन हम लोग इस शहादत दिवस के मौके से छात्र नौजवानों के बीच इनके विचारों को ले जाने के लिए, इनके जीवन संघर्ष को ले जाने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। बीवीगंज रोड स्थित स्वरोजगार विहार का विधिवत उद्घाटन रंजीत रंजन ने फीता काट कर किया। बुधवार को बीवीगंज रोड स्थित स्वरोजगार विहार का विधिवत उद्घाटन असंख्य दीप डेयरी सॉल्यूशन के CEO रंजीत रंजन ने फीता काट कर किया। इस दौरान नितेश भारद्वाज, सुजीत कुमार, इंद्रजीत कुमार, सकलदीप यादव, संदीप यादव, सन्नी रंजन, संतोष चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्वरोजगार बिहार के माध्यम से आप एक सफल औद्योगिक प्रशिक्षण प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें आप अपने बिजनेस को स्थापित कर स्वयं को सफलता की ओर ले जाकर दूसरों को रोजगार देकर सफल बना सकते हैं। स्वरोजगार बिहार के माध्यम से अब रोजगार करने वाले स्वरोजगार से दूसरों को भी रोजगार दे सकेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं इस क्षेत्र में अभी काम कर रही है। आपको बता दें कि स्वरोजगार बिहार के माध्यम से आप और हम मिलकर बिहार को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। नितेश भारद्वाज ने बताया कि हमारे संस्था की ओर से बिहार में एक नई पहल है, इसका उद्देश्य है कि नए युवाओं को नई दिशा दे सके। आजकल के नौजवान युवा पीढ़ी को हम एक नई राह, एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसके अंतर्गत MSME से रिलेटेड जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेस, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो, डेयरी से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी एक छोटा से छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, हर एक चीज़ के बारे में, या फिर IT से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ के बारे में हम लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से इसके बारे में बताएंगे, इसके लिए जागरूक करेंगे लोगों को, ताकि आगे चल करके कोई भी स्वरोजगार, मतलब खुद पे निर्भर होकर के अपना एक बिजनेस चला सके। अच्छा, यदि कोई युवा आपसे जुड़ना चाहता है तो कैसे कनेक्ट कर सकता है आपसे? सी, अभी क्या है ना कि हमारा कुछ समय बाद, ऑलमोस्ट 2-4-5 दिन के बाद हमारा एक ऐप लॉन्च होगा, जिसके माध्यम से लोग रजिस्टर करके
वहाँ पे हर एक प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख पाएंगे। इंटरनेशनल डे के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच की सांस्कृतिक शाखा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच की सांस्कृतिक शाखा द्वारा इंटरनेशनल यूथ डे के अवसर पर बुधवार को अमर सिनेमा रोड के समीप आरा मशीन वाली गली में अशिक्षित महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के लिए जागरूकता फैलाने तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग करने हेतु तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए 150 सैनिटरी पैकेट का वितरण किया गया। संस्कृति शाखा ने पहले भी वेंडिंग मशीन के जरिए स्कूलों में सैनिटरी पैड की व्यवस्था कराई थी। शाखा की संयोजिका पूजा केजरीवाल ने बताया कि सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल नहीं करने के कारण महिलाओं को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा ने सैनिटरी नैपकिन बैंक बनाकर गरीब महिलाओं के लिए हर महीने नैपकिन वितरित करने का प्रण लिया है, जिसकी शुरुआत आज से की गई है। पहले दिन 150 महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड का वितरण किया गया और यह वितरण आगे भी जारी रहेगा। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की तरफ से हम लोगों ने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें हमारी प्रेसिडेंट प्रियंका तुलसियान, सेक्रेटरी संगीता गोयनका जी और मैं संयोजिका पूजा केजरीवाल और हमारी समस्त संस्कृति मेंबर सब मिल के हम लोगों ने ये 150 सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें हमारी अशिक्षित महिलाओं को बताया गया कि ये आप लोग कपड़ा यूज मत करिए, इसकी जगह आप लोग ये सैनिटरी पैड यूज़ करिए, जिससे उन लोगों को ये अच्छे इन्फेक्शन भी ना हो और अच्छा उन लोगों को लगे, इसीलिए हम लोगों ने ये सैनिटरी पैड यूज़ डिस्ट्रीब्यूट किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।